नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, श्लोक पढ़ेंगे आज और श्लोक के माध्यम से जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनका अभ्यास करेंगे। श्लोक है विद्यार्थियों विद्या के ऊपर, तो विद्या की महत्ता, विद्या की उपयोगिता, विद्या की सर्वश्रेष्ठता यहाँ पर सिद्ध की गई है कि विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है। विद्या एक कल्प लता के समान होता है। विद्या मानव जीवन को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करती है। तो आइए उस विद्या के विषय में जानते हैं। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंते कांतेव च भीरमयति अपनी खेदम कीर्तिं च दिक्षु विमलां विधनोति लक्ष्मीं किम किम ने साधयति कल्पलते विद्या। तो विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, अर्थात विद्या सब कुछ सिद्ध करती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस श्लोक में व्याकरण क्या क्या है उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, माता धन इव संधि इसमें भी, फिर पिता धन इव और फिर कांता धन इव, कांता धन इव और नेक्स्ट है कल्प लता धन इव और से धन अभी रमयति धन अपनी, ये संधि विच्छेद की है। इसमें गुण संधि गुण संधि गुण संधि गुण संधि, यहां पर यम संधि, यहां पर देव संधि, कैसे ये जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर क्या है आ और यहां पर क्या है ई, दोनों मिलकर के एका निर्माण करते हैं और एक ही मात्रा ये होती है। अब विद्यार्थियों यहां से आ ले लिया हमने तो यहां पर क्या बचा, मात्र हलन और यहां पर ई ले लिया, यहां पर तो दोनों के आ और ई के संयोग से बना ई। अब आगे क्या बचा, वे। अब विद्यार्थियों ते जो स्वर रहित है इसमें ए मिलाएंगे तो क्या होगा, माते और फिर वे माते बना। इस प्रकार से ये है गुण संधि। इसी प्रकार से तीनों है, देखिए आ धन ई ये बना ए। अब देखिए पी तर धन ए धन व, तो क्या बना विद्यार्थियों, पी तय में एक ही मात्रा लगाएंगे ते व पिते, ठीक है। नेक्स्ट है कांता धन ई, तो यहां पर आ है यहां पर ई है, दोनों मिलकर के एका निर्माण करते हैं, एक ही मात्रा ये होती है। अब देखिए कांत धन ए धन व, तो क्या बना ते में एक ही मात्रा लगाएंगे तो बना कांते और फिर वह कांते, ठीक है। अब देखिए ये कल्प लता इव, यहां पर आ विद्यार्थियों और यहां पर ई, दोनों मिलकर के एका निर्माण करते हैं और एक ही मात्रा ये होती है। अब हम लिखेंगे कल्प लता, कल्प लत कैसे, क्योंकि आ तो हमने यहां ले लिया और यहां से ये ले लिया, दोनों के संयोग से ए बना, तो कल्प लत फिर धन ए और धन यहां पर क्या बचा है, क्यों, क्योंकि ये ई तो यहां ले ली। अब इसको मिलाकर के लिखेंगे विद्यार्थियों, कल्प फिर लय ते में एक ही मात्रा लगाएंगे ते व, कल्प लते बना, कल्प लते बना। तो इसमें विद्यार्थियों गुण संधि है, इसमें भी गुण, इसमें भी गुण, इसमें भी गुण। अब यहां देखिए चे में ए है और इसमें भी ए है, ए धन ए क्या बना आ बना, ठीक है। और यहां पर जो तय है और इसमें ई की मात्रा, ई के आगे स्मान स्वर है तो ई का क्या बन जाएगा, ये ऐसा ही बन जाएगा। और यहां पर क्या बच गया, केवल ते ऐसे। तो देखिए करते हैं चा भी, क्योंकि ए और ए क्या मिला आ, चा भी र म ये। अब यहां तैसे ई ले लिया है, तैसे जो इस ते में ई की मात्रा है इसके ई के आगे स्मान स्वर होता है तो ई का ये हो जाता है, तो यहां से तैसे ई लिया तो आधा तेरा और फिर आगे ये
ये में ए मिल गया पूरा ये और पैर नहीं है। इस प्रकार से चार भे रमत्य अपनी हो गया। यहां पर है ज्ञान संधि। इस प्रकार संधि के विषय में हमने जान लिया। अब विद्यार्थियों आगे देखते हैं विभक्ति के विषय में। विभक्ति है रक्षति, ये रक्ष धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन, और हिते और नियुक्ते इन दोनों में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया। और यहां पर है खेदम, खेदम का मतलब दुखम, कीर्तिम कीर्ति यश है प्रसिद्धि, दिक्षु दिशाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, वीतनोति प्रथम को से एक वचन लट लगा, लक्ष्मी मीन्स श्रीम, और साध्यति प्रथम को से एक वचन लट लगा, और विद्या विद्या प्रथमा विभक्ति एक वचन जैसे लता बालिका इस प्रकार से। तो आइए विद्यार्थियों अब इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। देखिए विद्या मातेव रक्षति, माता धन इव, इव का मतलब होता है समान, भांति तरह तुल्य, तो विद्या माता के समान रक्षति रक्षा करती, और पिते पिता के समान हिते हित में, नियुक्ति लगाती है, तो नियुक्ति लगाती है, विद्या पिता के समान हित में नियुक्ति लगाती है। ठीक है अब चाहे और कांते पत्नी के समान अभिरमयति, अभिरमयति का मतलब रंजन करती है, रंजन करती है, भ्रमण करती है, कैसे करती है, खेदम अपनी दुख को दूर करके, दुख को दूर करके, जो अपनी है इसमें अपनी है, इसमें आप उपसर्ग है और नी धातु है और लप करते हैं, इसका मतलब होता है दूर करके, हाँ खेदम दुख को अपनी है दूर करके, कांते पत्नी के समान अभिरमयति रमण करती, पत्नी है वह दुख को दूर करती है, और पत्नी के समान विद्या भी दुख को दूर करती। आगे देखिए चाहे और दिक्षु चारों दिशाओं में विमलाम कीर्तिम निर्मल कीर्ति को, निर्मल कीर्ति को, स्वच्छ कीर्ति को, लक्ष्मी और लक्ष्मी को भी तनोती फैलाती है, फैलाती है, और कल्पलते विद्या, कल्पलता के समान विद्या किम किम ने साध्यति, क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, अर्थात कल्पलता के समान विद्या सब कुछ सिद्ध करती है, अर्थात सब तरह से सफलता प्रदान करती है। एक बार साधारण रूप से बोले कि विद्या माता के समान रक्षा करती है, विद्या पिता के समान हितकारी कार्यों में नियुक्ति लगाती है, नी उपसर्ग युज धातु है, नी उपसर्ग युज धातु, तो ये क्रियापद है, और विद्या खेदम अपनी दुख को दूर करके, कांते पत्नी के समान अभिरमयति रमण करती है, और अव निर्मल कीर्ति को चारों दिशाओं में वीतनोति फैलाती, वीतनोति फैलाती, विद्या कल्पलता के समान क्या क्या नहीं सिद्ध करती है, अर्थात विद्या कल्पलता के समान हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करती है और हमारे उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है। अब विद्यार्थियों हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब यहां पर का रक्षति, कौन रक्षा करती है, का रक्षति, तो हमारा आंसर होगा विद्या रक्षति। किम इव किसके समान, मातेव माता के समान रक्षा करती, ठीक है, और हितकारी कार्यों में विद्या किसके समान लगाती है, पिता के समान लगाती है, पत्नी के समान क्या करती है, अभिरमयति रमण करती है, कैसे करती है, खेदम अपनी दुख को दूर करके, खेदम है इसका पर्यायवाची शब्द होगा दुखम, पर्यायवाची दुखम होगा, जैसे खेदम है इसका विद्यार्थी हो पर्यायवाची क्या होगा, दुखम, और विलोम सुखम, विलोम क्या होगा विद्यार्थी हो,
सुखम, जैसे लक्ष्मी है लक्ष्मीम, ठीक है, यहां पर इसका पर्यायवाची क्या होगा, श्रीम श्रीम, और जैसे विद्या है सरस्वती पर्यायवाची, और विलोम शब्द देखेंगे तो अविद्या, विमला विमला, निर्मल निर्मलाम पर्यायवाची देखें तो निर्मला, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी, पहला प्रश्न है कि कल्प लता कहाँ अस्ति, कल्प लता इव कहाँ अस्ति, कल्प लता के समान कौन है, तो कौन है, कल्प लता एव विद्या, तो इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, विद्या, किसके स्थान पर का, कल्प लता एव विद्या अस्ति, कल्प लता के समान विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या कीदृशी अस्ति, विद्या कैसी है, विद्या कैसी है, तो कैसी है विद्यार्थी, विद्या कल्प लता है, कल्प लता के समान है। दूसरा क्वेश्चन है विद्या कीदृशी अस्ति, विद्या कैसी है, तो कैसी है कल्प लता इव, कल्प लता के समान, आंसर क्या होगा हमारा, विद्या कल्प लता इव अस्ति, विद्या कल्प लता के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पितेव पुत्र नियुक्ते, पितेव पुत्र नियुक्ते, पिता के समान कहां नियुक्त करती है, हिते, पुत्र के स्थान पर आंसर क्या लिखेंगे, हिते, हित में नियुक्त करती है, विद्या पिता के समान हितकारी कार्यों में लगाती है। क्वेश्चन नंबर फोर है माते वत्र संधि नाम किम, माते पिते कल्प लते कांते, इसमें संधि बता दी गई विद्यार्थियों आपको, देखिए माते कांते पिते कल्प लते, इनमें संधि के विषय में बता दिया गया आपको कि इनमें संधि कौन सी है, गुण संधि है, ठीक है, और यहां पर दीर्घ संधि है, हमने संधि विच्छेद करके देख लिया, और यहां पर विद्यार्थियों यहां पर यण संधि है, और अपनी है उसमें कौन सी संधि है, संधि नहीं उसमें प्रत्यय है, अब उपसर्ग है नी धातु है और लप प्रत्यय है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे जो साध्यति सिद्ध करती है, तो इसका कर्ता पूछा जाए साध्यति का, तो कर्ता क्या है, विद्या, कर्ता क्या है, विद्या। रक्षति रक्षा करती है, माता के समान रक्षा करती है, कौन करती है, विद्या करती है, तो इसका भी कर्ता क्या हुआ, विद्या। नेक्स्ट वी तनोति फैलाती है, फैलाती है, तो वी तनोति ये क्रिया है, इसका कर्ता क्या है, विद्या, ठीक है। यहां पर अभिरमयति रमण करती है, इसका भी कर्ता क्या है, विद्या, ठीक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम श्लोक के माध्यम से प्रश्न और उत्तर करते हैं। अब दिक्षु अत्र का विभक्ति अस्ति, दिक्षु जो दिक्षु है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो विद्यार्थियों दिक्षु में सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन, बहुवचन सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। वीतनोति लट्लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, वीतनोति का मतलब फैलाना, फैलाती है, और वीतनोति का समानार्थ भी जो पद है वह है प्रसरति, प्रसरति फैलाती है, ठीक है। साधयति सिद्ध करती है, कीर्ति कीर्ति का मतलब यश प्रसिद्धि, और विमलाम अमलाम, तो ये पर्यायवाची शब्द है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम श्लोक के माध्यम से प्रश्न और उत्तर करते हैं। जब श्लोक की व्याकरण के विषय में हम पूरा जान लेते हैं तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।